इलेवेंथ इंग्लिश मीडियम क्लास और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, बिल्कुल नया आपके लिए। अब चैप्टर फर्स्ट सेट से पहले आपको समझना पड़ेगा कलेक्शन तो जानते हो, तो सेट की डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन collection is set to a set, a well defined collection is said to be a set, definition hai collection, a well defined collection of object is called set, a well defined collection of objects is called set. For example, 11th class में set के लिए a well defined collection is collection of object is called set. For example, a collection of English vowels or English verbal of English alphabet अब सभी ये सब जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कलेक्शन हो गए ए ई आई ओ यू। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें वेल डिफाइंड का मतलब है सबकी एक वो नीचे राय, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में पी होगा नो, पी इज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये तो सेट की पर वो है डेफिनेशन। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के लिए ऑफ सेट तो ऑल एलिमेंट्स पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या इसको टेबुलेशन भी बोलते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स रिटन इन ए कर्ली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म में। तो ये तो चैप्टर फर्स्ट है सेट ए वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब कलेक्शन कोई भी वेल डिफाइंड होती है उसमें कोई भी दो मतलब होनी चाहिए, तो ए कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज ए आई ओ यू, इसका रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के लिए एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, तो रोस्टर फॉर्म फॉर्म रोस्टर फॉर्म के लिए रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, जैसे ये है कलेक्शन ऑफ तो रिटन एज इन कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू, ये है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। और सब सेट बिल्डर फॉर्म जिस रूल के करस्पॉन्डिंग हमने कलेक्शन किया है उसकी फॉर्म लिखें वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर लिखेंगे एक्स
सच दैट, ये किसका सिंबल है, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ये, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ये। तो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स ये। तो आपको उस कलेक्शन, ईच कलेक्शन इज नॉट ए सेट, ईच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ए सेट, ओनली दोज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट टू बी सेट विद दीज आर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स जिसके बारे में सब लोग कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट इसमें होगा और नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite। इसमें कौन कौन से अगर रोस्टर फॉर्म मिलेगा, सेट को नाम दे देते हैं अपन एस, तो बोले नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कलेक्शन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अगर आपसे कहा जाए इसमें 11 होगा, 10 होगा, सबका ये कि होगा नहीं, बिकॉज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 to 9। तो 10 एंड ग्रेटर देन 10 आर नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, सो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन वही होगा जिसके लिए सब लोग कहे कि इसमें होगा अथवा नहीं होगा। तो इस कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, अब आपको इसमें कहा जाए कि 11 होगा क्या, नो 11 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, एंड 0 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये कलेक्शन हो गया, अभी सेट है, यस दिस कलेक्शन इज, दिस कलेक्शन इज ए सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड, कारण लिख सकते हैं यहाँ, बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड को पहचाने कैसे हम, इसके कोई भी कहे कि इसमें होगा या नहीं होगा, मैं कहूँ 0 नहीं होगा क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और 11 ग्रेटर देन 10 है, हमें चाहिए लेस देन 10। तो इसको सेट बिल्डर सेट में लिखें तो सेट क्या हो जाएगा, सेट को नाम दे दो ए, ए इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको मैं, रोस्टर फॉर्म ए, ईच एलिमेंट रिटन इन ए कर्ली ब्रैकेट विद कॉमा, और किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। और इसका रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब एक्स को डिफाइन कर दीजिए आगे, एक्स है क्या, एक्स इज ए, तो एक्स सच दैट, मैंने दो तरीके बताए, एक तो ये सच दैट है, क्या रीड करते हैं इसको, सच दैट, और ये भी क्या है, सच दैट। तो एक्स सच दैट, अब एक्स क्या है इसको डिफाइन कर दीजिए आप, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड कंडीशन क्या है, बट या एंड एक्स लेस देन 10, नेचुरल नंबर है बट लेस देन 10 और एक्स लेस देन 10, ये आ गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में ईच इलेक्शन
अब जैसे और एक एग्जांपल, एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ फुट, वर्ड फुट है उसका, ये क्लियर हुआ। ए कलेक्शन ऑफ नंबर लेस देन 10, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि लेस देन 10 नेचुरल नंबर 1 से 9 तक होंगे। अगर आप देखें 5 इसमें होगा, यस, सबकी एक ही राय होगी 5 होगा। 10 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन बिकॉज हमें लेस देन 10 चाहिए। 11 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। अब सेट है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ईच एलिमेंट के साथ कॉमा लगा के, और सेट बिल्डर फॉर्म है तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कंडीशन इज अप्लाई नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो एक्स की वैल्यू हमेशा 10 से कम हो, और 10 से कम नेचुरल नंबर हो गई 1, 2, 3। इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जैसे ही आ गया, एक सेट था अभी अपने सेट B इज इक्वल टू A E I O U, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता, एक से ज़्यादा बार आ तो एक बार ही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन बी से। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू कितने 1, 2, 3, 4, 5, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे अभी था अपना सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू कितने हो गए 9। एक और होता है बिलोंग्स टू एलिमेंट, इसमें है तो ये जैसे ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए सेट बी, ए इज बिलोंग्स टू एंड ओ, ए इज बिलोंग्स टू, ओ इज बिलोंग्स टू सेट बी, तो ये जो बिलोंग इज बिलोंग्स टू के लिए एक सिंबल है, तो ए बिलोंग्स टू सेट बी, ओ बिलोंग्स टू सेट बी एंड पी इज, पी इसमें है थोड़ी, क्या लगे पी इज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी इसके लिए सिंबल क्या होगा बिलोंग्स टू के लिए, तो ये और P not belongs to B, तो ये तो हो गया आपका belongs to और ये है not belongs to। तो हमें सिंबल काम में लेना है, एलिमेंट सेट में है तो belongs to के लिए कौन सा सिंबल आएगा ये वाला, और ये अब जैसे इसके लिए कहा जाए 10 के लिए कौन सा सिंबल आएगा not belongs to, 10 इज नॉट बिलोंग्स टू एंड लिखा जाए 5 बिलोंग्स टू A, ये सिंबॉलिकल लिखेंगे हम बिलोंग्स टू, अभी अब एलिमेंट उसमें है या नहीं, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट करली इन करली ब्रैकेट इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में जिस रूल के अकॉर्डिंग कलेक्शन किया जा रहा है वो लिखा जाता है। तो ये था सेट की डेफिनेशन, ईच कलेक्शन इज नॉट ए सेट, दोज कलेक्शन आर सेट टू बी सेट विच they are well defined, they are well defined collection is said to be a set, और set को आप कोई भी नाम दे सकते हो, A, B, C, repetition is not allowed, repetition of element of set is not allowed, of element of a set is not allowed, not allowed, for example जैसे collect a set, जैसे अपना set A है x such that x is a letter of word foot, foot
लेटर ऑफ फुट, तो बताइए इसमें क्या होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू एक्स इज ए लेटर ऑफ फुट, सब फुट वर्ड का लेटर है तो फुट में वो रिपीट हो रहा था, एफ कॉमा ओ कॉमा टी, ये इसका होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, थ्री, तो रिपीट और दो बार आ रहा है लेकिन लिखेंगे एक बार, रिपीटेशन नॉट अलाउड। स्कूल के लिए जैसे स्कूल, स्कूल के लिए क्या आ जाएगा, सेट बी नाम दे दें इसको, बी इज इक्वल टू एस सी एच ओ एन, तो रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट। ये था आपका सेट को स्टार्ट किया अभी तो मैंने, और आपको बुक्स नहीं हो तो बुक्स वगैरह ले लें और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप्स के सेट्स बता रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, स्पेशल सेट्स। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू इन्फाइनाइट। नंबर वन, नंबर दो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते 1 से, होल नंबर्स, w रिप्रेजेंट सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो w इज रिटन एज 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फाइनाइट। एंड थर्ड इज जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, तो जेड इज इक्वल टू डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3, ये सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड फोर्थ है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट रैशनल नंबर को प्रेजेंट करते हैं क्यू से, ए सेट ऑफ रैशनल नंबर, जल्दी में कितनी देर का हुआ है अभी, और